When we talk about the conduct disorder, it means that behavioral disorder in which the child exhibits repetitive and persistent pattern of behavior which is aggressive in nature, and through doing those acts, the child is trying to violate the rights of the other, or sometime the child also violate the age-appropriate norms. So, when we talk about conduct disorder, ki baat karte hai, तो अगेन इट वी आर टॉकिंग अबाउट द एग्रेसिव बिहेवियर दोज एग्रेसिव बिहेवियर इन विच चाइल्ड इज वायलेट द राइट्स ऑफ द अदर एंड ऑल्सो ब्रेक द एज अप्रोप्रिएट नॉर्म्स तो ये बिहेवियर ऐसा नहीं होता कि जिसके अंदर हम ये कहें कि बच्चा एकदम से किसी के ऊपर शाउट कर रहा है या वो एकदम से कोई चीज तोड़ रहा है टेम्पर टेंट्रम शो कर रहा है इट इज़ द माइल्ड डिग्री ये उससे एक स्टेप आगे होता है इसके अंदर जो बच्चा है वो दूसरों के राइट्स जो दूसरा ह्यूमन बीइंग है जो दूसरा एडल्ट है या दूसरा जो चाइल्ड है उसके राइट्स जो है उनको वो वायलेट करना शुरू कर देता है इसमें हम जब डायग्नोसिस की बातें करते हैं तो हम इसमें चार चीज़ों की बात जो है वो इम्पोर्टेंटली करते हैं जो सबसे पहली बात है जिसमें मैंने अभी पहले भी जिक्र किया कि सीरियस रूल वायलेशन जो है वो आएगा अब इसमें सीरियस रूल वायलेशन क्या है फॉर एग्जांपल पेरेंट्स एक टाइम सेट करते हैं जैसे हम कर्फ्यू कहते हैं कि उन्होंने बच्चों ने रात को 9 बजे से पहले या 10 बजे से पहले घर आ जाना है ये जो बच्चे होते हैं ये कभी भी उस कर्फ्यू को फॉलो नहीं करते इसी तरह ये घर से भागने की कोशिश करते हैं या जब स्कूल में जाते हैं तो स्कूल से भागने की कोशिश करते हैं जिसे हम ट्रुएंसी कहते हैं तो इस किस्म के जो सीरियस रूल वाइलेशन हैं वो हमें इनके बिहेवियर के अंदर नज़र आएंगे देन एग्रेशन टू पीपल और एनिमल वन वी टॉक अबाउट द एग्रेशन टू पीपल और एनिमल्स तो जिस तरह हमने अभी बात की थी कि ये दूसरों के राइट्स जो हैं उनको वायलेट करने की कोशिश करते हैं इसका क्या मतलब है कि दे आर वेरी फिजिकली क्रूअल टू वर्ड्स द अदर पीपल और एनिमल्स ये बुलिंग भी करते हैं लोगों को ये थ्रेट भी करते हैं और सम टाइम ये वेपन भी यूज करते हैं टू तो गिव सम हार्म टू तो एन अदर पर्सन इसी तरह ये एनिमल्स को भी जो है वो हार्म पहुंचाते हैं इसी तरह इनका जो फोर्थ थिंग है जो इनके बिहेवियर के अंदर बहुत ज्यादा होती है दैट इज द डिस और थे अब डिसीटफुलनेस और थे क्या है कि ये झूठ बहुत ज्यादा बोलेंगे ठीक है ये चीज़ों को चोरी करेंगे और सम टाइम ये किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए भी चोरी कर सकते हैं सम टाइम ये फन के लिए भी चोरी कर सकते हैं तो इस किस्म का जो इनका बिहेवियर है डिसीटफुल और थाटफुल वो देखने में आएगा इसी तरह डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी जो है वो भी इनके बिहेवियर में देखने में आएगी जिस तरह ये फायर सेटिंग कर सकते हैं इसके अलावा ये चलते हुए विंडोज़ तोड़ सकते हैं इस किस्म की जो बिहेवियर है वो इनका एग्जिबिट होता है तो जब इस किस्म का पैटर्न ऑफ बिहेवियर किसी बच्चे के अंदर एक्ज होना शुरू हो जाए तो उस वक्त हम कहते हैं कि ये जो बिहेवियर है दैट मे फॉल्स अंडर कंडक्ट डिसऑर्डर जो कंडक्ट डिसऑर्डर होता है ये जिस तरह भी हमने बात की कि इसके फोर पॉइंट्स हैं जिसकी बेसिस के ऊपर हम ये देखते हैं कि आइदर बिहेवियर जो है वो फॉल कर रहा है अंडर कंडक्ट डिसऑर्डर और नॉट यहाँ पे दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं नंबर वन कि कंडक्ट डिसऑर्डर जो है उसका जो ऑनसेट है वो अर्ली चाइल्डहुड में भी हो सकता है और वो एडोलसन में भी हो सकता है तो वेन एवर द चाइल्ड कम्स टू यू यू नीड टू बी क्लैरिफाई दिस थिंग कि ये जो इसका बिहेवियर है वो बिफोर एज टेन स्टार्ट हुआ है या आफ्टर एज टेन स्टार्ट हुआ है सेकेंडली इसके अंदर आपने सवेरिटी लेवल का भी ख्याल करना होता है कि जो कंडक्ट डिसऑर्डर है वो माइल्ड लेवल का है सवेयर लेवल का है या मॉडरेट लेवल का है माइल्ड लेवल का हम उस वक्त कंडक्ट डिसडर कहते हैं जिस वक्त बच्चे के अंदर मिनिमम लेवल ऑफ सिम्टम्स जो हैं वो एग्जिबिट हो रही हूँ और जब वो पूरा क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा होता है डी एस एम फाइव का तो उस वक्त हम कहते हैं कि इसका जो लेवल है वो सवेयर है अगर माइल्ड और सवेयर uh, के दरमियान में कहीं लाई है यानी ना तो वो वन सिम्टम पर लाई है ना ही वो थ्री सिम्टम पे पर कर रहा है बल्कि सम वेयर इन बिटवीन है तो वहाँ पर हम कहते हैं कि जो कंडक्ट डिसऑर्डर है वो मॉडरेट लेवल का एग्जिबिट हो रहा है इसके साथ साथ आपने ये भी ख्याल करना है कि जो बच्चा है वो किन किन सेटिंग्स के अंदर ये जो बिहेवियरल प्रॉब्लम्स है वो एग्जिबिट कर रहा है क्या सिर्फ घर के अंदर ऐसी एग्जिबिशन हो रही हैं या आउटसाइड द होम भी एग्जिबिशन हो रही हैं आमतौर पर जो कंडक्ट डिसऑर्डर होता है वो बोथ सेटिंग्स के अंदर एग्जिबिट होता है So we need to be careful about all these things too. Thank you.